नारद जी ने कहा महाराज तुमने बहुत कुछ किया लेकिन तुमने प्रभु प्रेम नहीं किया, मेरे ठाकुर के चरणों में तुमने प्रेम नहीं किया, उसके चरित्रों का गुणगान तुमने नहीं किया, तो समझ लो तुमने कुछ नहीं किया। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानो, सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानो, सोहन राम प्रेम बिन ज्ञानो, सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानो, सोहन राम प्रेम बिन ज्ञानो, करण धार बिन जिमि जल जानो, करण धार बिन जिमि जल जानो, करण धार बिन जिमि जल जानो, करण धार बिन जिमि जल जानो। महाराज आपने किया तो बहुत कुछ लेकिन जो करना चाहिए भगवत चरणों में प्रेम नहीं किया। हनुमान जी जब राम काज करने निकले थे तो कितने विघ्न आए, सुरसा आ गई बोले हम तुम्हें खाएंगे। हनुमान जी ने कहा खाओगी? बोले हाँ हम तुम्हें खाएंगे, भूख लगी। तो हनुमान जी ने कहा माँ हमें क्यों खाओगी, हम कोई सेब संतरा है जो हमें खाओगी? बोले नहीं हम तुम्ही को खाएंगे। जलमार्ग से गए तो जलमार्ग में भी बैठी निश्चरी बोले हम तुम्हें खाएंगे। लंका के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो निश्चरी ने कहा हम तुम्हें खाएंगे। कहने का मतलब आकाश से सुरसा और जल से निश्चरी और थल पर शिंगिका, तीनों जगह पर विघ्न आया, आया कि नहीं आया बोलो। लेकिन भक्त वही है जो कभी विघ्न से न घबराता हुआ दृढ़ निश्चय दृढ़ संकल्प के साथ भगवत कार्य में लगा रहे वही भक्त है। और विघ्नों को परास्त होना पड़ता है एक दिन और राम कार्य अवश्य होता है, उसे कोई रोक नहीं पाता, इसलिए डरने की जरूरत है। भगवान कहते हैं न साध्यति माम योगो न सांख्य धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्तर ममोर्जिता। मैं न तो योग से प्रसन्न होता हूं न ज्ञान से प्रसन्न होता हूं न तप से प्रसन्न होता हूं न त्याग से प्रसन्न होता हूं। यदि मुझे प्रसन्न करना चाहे कोई तो मैं सबसे शीघ्र भक्ति से प्रसन्न होता हूं, वो मेरी भक्ति करे मुझसे प्रेम करे। और जो मेरा प्रेमी होता है, प्रभु कहता है जो मुझे चाहता है मेरे चरणों में अपने को अर्पित कर देता है, मेरा जो बन जाता है, मेरे अलावा जो किसी को नहीं जानता, मैं ऐसे भक्त की निरपेक्षम मुनिम शांतिम निर्वैरम सम दर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पुवे एत्यंगम घ्री रेणु भी। मैं ऐसे भक्त की चरणों की रज को, उसके चरणों की रज को, भक्त के चरणों की रज को मैं अपने सर पर धारण करता हूं, मैं उसके पीछे पीछे भागता हूं। जो भक्त अपना सर्वस्व मुझे दे देता है, लेकिन यदि भक्ति नहीं है, मेरे चरणों में प्रेम नहीं है, मुझसे प्रेम नहीं है, तो फिर चाहे वो ब्रह्मा क्यों न हो मुझे प्रिय नहीं। भक्त से बढ़कर दुनिया में मैं किसी को प्रेम नहीं करता हूं और भक्त मुझे छोड़कर किसी से प्रेम नहीं करता है। यह है भक्त और भगवान की परिभाषा।
मैं कुल नहीं देखता, मैं जाति नहीं देखता, मैं योग्यता नहीं देखता, मैं पद नहीं देखता, मैं प्रतिष्ठा नहीं देखता, मैं वैभव नहीं देखता, मैं ऐश्वर्य नहीं देखता, मैं धन नहीं देखता, मैं तो उसका मन देखता हूं, मैं तो उसका हृदय देखता हूं। नारद जी कहते हैं, व्यास जी प्रभु कभी कुछ नहीं देखता है, वो तो तुम्हारा हृदय देखता है, तुम्हारा मन देखता है, उसे ऊंच नीच जात पात किसी से मतलब नहीं है, वो तो सबका है। अच्छा व्यास जी बताओ, गणिका आरो व्याध अजामिल के, बोलो गणिका कौन सी कुलवान थी, व्याध कौन सा कुलवान था? गणिका आरो व्याध अजामिल के कब कौन चरित्र महान रहे, गणिका आरो व्याध अजामिल के कब कौन चरित्र महान रहे, गणिका आरो व्याध अजामिल के कब कौन चरित्र महान रहे। गुबरी कहाँ थी बड़ी रूपवती, गुबरी कहाँ थी बड़ी रूपवती, असुदामा कहाँ धनवान रहे, गुबरी कहाँ थी बड़ी रूपवती, असुदामा कहाँ धनवान रहे। गजगी धन कौन सवेत पढ़ा, 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 और निषाद कहाँ कुलवान रहे, और निषाद कहाँ कुलवान रहे। महिमा सब राम के नाम की है, महिमा सब राम के नाम की है, महिमा सब श्याम के नाम की है, बस भाव में ही भगवान रहे, महिमा बस श्याम के नाम की है, बस भाव पे ही भगवान रहे। ध्रुबहु की अवस्था थी कौन बड़ी, ध्रुबहु की अवस्था थी कौन बड़ी, ध्रुव तो 5 वर्ष का बालक था प्यारे, 5 वर्ष का बालक। ध्रुबहु की अवस्था थी कौन बड़ी, ध्रुबहु की अवस्था थी कौन बड़ी, धरते कब के बड़ ध्यान रहे, धरते कब के बड़ ध्यान रहे। केवट तो एक निषाद था, नाव चलाने वाला, कौन सा ध्यान करता था, कौन सी तपस्या की थी केवट ने प्यारे, कुछ तो नहीं जानता था, रात दिन वही उसी क्रम में लगे रहना। लेकिन भगवान को भी केवट से हार माननी पड़ी।
प्रभु की अवस्था थी कौन बड़ी, ध्रुवहु की अवस्था थी कौन बड़ी, ध्रुवहु की अवस्था थी कौन बड़ी, ध्रुवहु की अवस्था थी कौन बड़ी, धरते कब के बट ध्यान रहे, धरते कब के बट ध्यान रहे, कहाँ काज कुशुंड की यौन पवित्र सवर्ण कहाँ रस खान रहे, कहाँ काज कुशुंड की यौन पवित्र वर्ण कहाँ रस खान रहे, सबरी को सराहो सदा प्रभु ने, सबरी को सराहो सदा प्रभु ने, धरे कौन वहाँ पकवान रहे, धरे कौन वहाँ पकवान रहे, महिमा सब श्याम के नाम की है, महिमा सब श्याम के नाम की है, महिमा सब श्याम के नाम की है, बस भाव में ही भगवान रहे, महिमा सब श्याम के नाम की है, बस भाव में ही भगवान रहे, महिमा सब श्याम के नाम की है, बस भाव में ही भगवान रहे, महिमा सब श्याम के नाम की है, बस भाव में ही भगवान रहे। नारद जी ने कहा व्यास जी, गणिका व्याध अजामिल, अरे किस कुल के थे, कितने पवित्र थे, कितने विद्वान थे, कुछ तो नहीं थे महाराज, कुबरी कहां स्वरूपवान थी, सुदामा कहां धन था, ध्रुव 5 वर्ष का बालक, निषाद केवट सबरी, जिसने प्रेम किया मेरे ठाकुर से, ठाकुर उसका हो गया। सबरी ने भगवान की प्रतीक्षा की। देखो परमात्मा को ढूंढने की जरूरत नहीं है, कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, वो हर जगह है, हर पल आपके साथ है, एक पल भी आपसे दूर नहीं है, केवल आपका भाव शुद्ध होना चाहिए। सबरी को परमात्मा की बाट जोते जोते रास्ता देखते देखते बचपन बीत गया, जवानी बीत गई, वृद्धावस्था बीत गई, जर्जर कपिल हो गई, अति वृद्ध हो गई, लेकिन सबरी ने विश्वास नहीं छोड़ा, विश्वास नहीं छोड़ा। यदि गुरुदेव कह गए हैं तो अवश्य मेरा राम जरूर आएगा, अवश्य आएगा, कुछ भी हो जाए। और प्रतिदिन मार्ग साफ करती, प्रतिदिन उनकी बाट देखती, बड़े बड़े मंडलेश्वर, बड़े बड़े संत बैठे थे उस पर्वत पर, आश्रम बनाए, मेरा ठाकुर कहीं नहीं गया, और सीधा सबरी का दरवाजा खटखटा दिया जाकर के, बोलो। नारद जी ने कहा व्यास जी, यदि अपना मन शांत करना चाहते हो, इस अशांति को यदि मिटाना चाहते हो, तो परमात्मा के गुणों का गान करो, उनके चरणों में प्रीति करो, उनसे प्रेम करो। क्योंकि जब तक परमात्मा के चरणों में प्रेम नहीं है, वो ज्ञान नहीं, वो अज्ञान है। ज्ञान में भी अहंकार होता है, अज्ञान में भी अहंकार होता है। ज्ञान जो है, ज्ञान में अहंकार और अज्ञान में अहंकार, ये अहंकार एक डमरू जैसा कहा गया है,
दोनों तरफ बजता है। अज्ञान में तो अहंकार है ही व्यक्ति के पास, लेकिन ज्ञान में भी अहंकार हो जाता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मैं बहुत बड़ा कुलवान हूं, धनवान हूं, संपत्तिवान हूं। इसमें तो अहंकार है ही व्यक्ति को, लेकिन मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं ये भी अहंकार होता है। और ये अहंकार हुआ नहीं कि सब खत्म। ज्ञान का मतलब है परमात्मा को जानना, उनसे प्रेम करना, उनके चरणों में समर्पित हो जाना। जहां अहंकार समाप्त हो जाए, मिट जाए, वहीं से ज्ञान प्रारंभ होता है। जब तक अहंकार है, ज्ञान है ही नहीं समझ। जब तक अहंकार है, जहां पर अहंकार मिटता है वहीं से ज्ञान प्रारंभ होता है। जहां से परमात्म प्रेम प्रारंभ होता है वहीं से ज्ञान प्रारंभ होता है। इसलिए व्यास जी, जो भी आपने लिखा, जो कुछ भी किया, ये सब एक जानकारी मात्र है आपको, एक जानकारी भर भर है और कुछ नहीं है। सच्चा ज्ञानी तो वो है जिसका मन मेरे ठाकुर में लगा है, उससे बड़ा ज्ञानी दुनिया में कोई नहीं है। नारद जी ने कहा, व्यास जी हम अपनी कथा सुना रहे हैं आपको। तो नारद जी अपनी कथा सुनाने लगते हैं। बोले, व्यास जी हम एक दासी के पुत्र थे, असभ्य बालकों के साथ घूमा करते थे गांव में। तो एक दिन कुछ संत हमारे गांव में आ गए, तो हम पूरे दिन घूमा करते थे असभ्य बालकों के साथ और कुछ काम ही नहीं था। तो लोगों ने हमें पकड़ करके और संतों की सेवा में लगा दिया कि तुम कुछ नहीं करते हो, दिन भर घूमते हो, कोई काम नहीं, चलो संतों की सेवा करो। व्यास जी हम संतों की सेवा में लग गए। उनके लिए हम लकड़ी लाते, उनके यज्ञ के लिए फूल लाते, सारा सामान उनके लिए इकट्ठा करते, उनकी सेवा करते। और शाम को जब वो भोजन करते तो उस भोजन में जो कुछ बच जाता वो हम ग्रहण करते। उनका जो उच्चिष्ट, उनका जो प्रसाद, उनकी जो जूठन बच जाती उसको हम ग्रहण करते। भोजनोपरांत हम उनके चरण दबाते, उनकी सेवा करते और वो प्रतिदिन शाम को हमें कथा श्रवण कराते। और वो कथा श्रवण करते करते व्यास जी हमारा मन ऐसा हो गया कि जब तक हम कथा नहीं सुन लेते हमें चैन नहीं पड़ता। अब तो हम कहकर के संतों से कथा सुनने लगे, उनकी सेवा करने लगे। और सेवा का फल ये हुआ कि हमारा मन संतों के चरणों में लग गया। और जब वो जाने लगे तो हमने कहा हम भी आपके साथ चलेंगे महाराज। सच्ची श्रद्धा से, सच्चे मन से संतों की गई सेवा कभी निष्फल नहीं जाती, ध्यान रखना। सेवा कभी भार समझ करके नहीं करना चाहिए। कुछ लोग सेवा तो करते लेकिन उसे एक भार समझ लेते। सेवा भार नहीं है, सेवा कर्तव्य है। जिस दिन सच्चे हृदय से परमात्मा की, संतों की सेवा करने का मन चलने लगेगा, मन बनने लगेगा, कल्याण का मार्ग आपका खुलने लगेगा। इसलिए सेवा कभी किसी की सेवा करो, मां बाप की सेवा, सास ससुर की सेवा, पति सेवा, गुरु सेवा, संत सेवा, अतिथि सेवा, सेवा किसी की करो पूर्ण श्रद्धा के साथ करो, तभी उसका फल है। एक शिष्य थे गुरुजी के, गुरुजी अपने शिष्य के घर पे गए, पहुंचे
जलपान कराया, प्रणाम किया, आसन दिया, जलपान करा करके बहुत आदर सत्कार किया गुरु जी का। उसके बाद रात्रि में भोजन कराया। भोजन कराने के बाद गुरु जी लेट गए तो शिष्य चरण दबाने लगे, चरण दबाने लगे तो गुरु जी ने पूछा, बेटा कितने भाई हो? उसने कहा, गुरु जी हम चार भाई हैं। गुरु जी लेटे थे, शिष्य चरण दबा रहे थे, गुरु जी को ध्यान नहीं रहा। थोड़ी देर में फिर पूछा, बेटा तुम कितने भाई हो? उसने कहा, गुरु जी हम चार भाई हैं। चरण फिर दबाने लगा, गुरु जी की आंख लग गई। कुछ देर बाद फिर आंख खोली तो भूल गए, तो वही प्रश्न फिर किया, बेटा तुम कितने भाई हो? उसने कहा, गुरु जी हम तीन भाई हैं। गुरु जी ने कहा, इससे पहले लगता है इसने चार बताए थे, कुछ ध्यान आ गया? तो गुरु जी ने कहा, बेटा तुमने पहले तो चार बताए थे, अब तुम कह रहे हो तीन भाई हैं। उसने कहा, गुरु जी हैं तो हम चार भाई, लेकिन हम तो आपके पैर दबाते ही दबाते मर जाएंगे, तीन ही तो रह जाए, तीन ही तो रह जाए। सेवा कभी भार समझ करके नहीं करनी चाहिए, कभी भार समझ के सेवा ना कर। सेवा सच्ची हृदय से की गई सेवा कभी निष्फल नहीं जाती, ध्यान रखना। नारद जी की सेवा निष्फल नहीं गई। नारद जी ने कहा, मैंने कथा श्रवण की, निष्फल नहीं गया, संतों के संग साथ चलने लगे। संतों ने कहा, नहीं बेटा तुम साथ मत चलो, हम तुम्हें मंत्र दे रहे हैं, इसका तुम जाप करो। संतों ने वासुदेव गायत्री मंत्र दिया नारद जी को, नारद जी उसी का जाप करने लगे। एक साल तक नारद जी ने वाणी से जाप किया, दो साल तक तालु से जाप किया, और तीन वर्ष के बाद अपने आप स्वतः जाप होने लगा। किसी मंत्र का यदि तीन वर्ष तक आप बराबर जाप करेंगे तो तीसरी वर्ष के बाद वो मंत्र स्वतः निकलने लगेगा। स्वतः जाप चलने लगा। एक दिन नारद जी की मां बाहर गई तो सर्प ने काट लिया, मां की मृत्यु हो गई। नारद जी ने घर छोड़ दिया, घर छोड़ दिया। नारद जी कहते हैं, मैं वन में गया, वहां भगवान के ध्यान में उसी मंत्र का जाप करता रहा, मुझे ठाकुर के दर्शन हुए, और जैसे ही मैं उन्हें पाने के लिए उनके चरणों पर झुका, वैसे ही प्रभु अंतर्ध्यान हो गए और कहा, बेटा मैं अधकचरे योगियों को नहीं मिलता हूं, इस जन्म में मैं तुम्हें नहीं मिल सकता, अगले जन्म में मैं तुम्हें अवश्य मिलूंगा। व्यास जी जब सृष्टि लय हुई तो मैं परमात्मा के मुख में चला गया, और जब सृष्टि पुनः प्रारंभ हुई तो मैं ब्रह्मा का पुत्र नारद तुम्हारे सामने उपस्थित हूं। ये संतों के सत्संग, उनकी कथा श्रवण और उनकी सेवा का यह फल है। इसलिए व्यास जी, यदि अपना असंतोष, यदि अपना अपने मन की अशांति मिटाना चाहते हो तो प्यारे सब कुछ छोड़कर प्रभु के गुणगान करने पड़ेंगे। उनका गुणगान करो, उनके दिव्य चरित्रों का गुणगान करो, उनके चरणों में प्रेम करो, क्योंकि प्रेम के अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है जिससे प्रभु प्रसन्न हो सके। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, कबीरदास जी कहते हैं ना, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो, पढ़े सो पंडित हो। गली में आए नहीं प
प्रियतम का ठिकाना क्या जाने जो प्रेम गली में आए नहीं प्रियतम का ठिकाना का ठिकाना क्या जाने जिन आंखों ने अश्रु बहाए नहीं जिन आंखों ने अश्रु बहाए नहीं प्यारे को पाना तम का ठिकाना क्या जाने जो प्रेम गली में दीवानी मोहन की सन
संसार बिगाना क्या जाने जो प्रेम गली में आए नहीं जो प्रेम गली में आए नहीं प्रिया सम का ठिकाना क्या जाने। नारद जी ने कहा व्यास जी परमात्मा को प्रसन्न करने का मात्र एक साधन प्रेम है और दूसरा कोई नहीं, इसलिए उनके चरित्रों की उनके दिव्य चरित्रों का गुणगान करो। नारद जी की प्रेरणा से व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण का निर्माण किया। निर्माण तो कर लिया लेकिन व्यास जी ने कहा कि अब इसे समझेगा कौन, पढ़ेगा कौन, इसका उत्तराधिकारी कौन है। तो व्यास जी ने सोचा इसका सच्चा उत्तराधिकारी तो मेरा पुत्र सुखदेव ही है, वही सुखदेव जो जन्म लेते ही जिसने पीछे मुड़ करके नहीं देखा, जन्म लेते ही वैराग्य को धारण करके वन में चला गया था। व्यास जी पुत्र 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 कह करके बुलाते रहे लेकिन सुखदेव जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। श्री सुखदेव जी के जगह पर वृक्षों ने उत्तर दिया था। ऐसे परमहंस श्री सुखदेव जी इस संहिता के अधिकारी हैं, इस भागवत कथा के पढ़ने के अधिकारी हैं। अब जो जन्म लेते ही वैराग्य को धारण करके चला गया हो वो आएगा कैसे, वो पढ़ेगा कैसे, वो इसमें क्यों मन लगाएगा। जिसके मन को रंभा भी चलायमान नहीं कर सकी थी, रंभा ने श्री सुखदेव जी से कहा था मैं आपके समान ही पुत्र चाहती हूं। अपने शरीर की बड़ी प्रशंसा की थी उसने, तो श्री सुखदेव जी ने कहा था मैं अब की बार भगवान से आपको मां के रूप में मांग लूंगा, आपको अब की बार मां के रूप में मांग लूंगा। ऐसे श्री सुखदेव जी भगवान का मन कौन चलायमान कर सकता है, कैसे वो इधर आएंगे। व्यास जी ने जब बहुत सोचा तो दो शिष्यों से कहा एक उपाय है, अगर कोई श्री सुखदेव जी के मन को खींच सकता है तो वो कृष्ण ही है, करसत इति कृष्ण, जो अपने आकर्षण से तीनों लोकों को खींच ले वही कृष्ण है, करसत इति कृष्ण, उसके आकर्षण से कोई नहीं बचा वही खींच सकता है। उसके ही दिव्य स्वरूप का वर्णन किया जाए तो दो श्लोक दो शिष्यों को बुलाया, एक श्लोक एक शिष्य को दिया, एक श्लोक एक शिष्य को दिया और कहा जाओ जब श्री सुखदेव जी समाधिस्थ हो, और समाधिस्थ होने के बाद जब उनकी समाधि खोले तो सबसे पहले एक श्लोक सुनाना, और जब देखना कि कुछ प्रभाव पड़ा तो फिर दूसरा श्लोक सुना देना। मुझे विश्वास है कि वो इस कृष्ण रस के कान में पड़ते ही वो बच नहीं पाएंगे, कोई नहीं बचा तो वो कैसे बचेंगे। शिष्य पहुंचे तो सबसे पहले शिष्य ने पहला श्लोक सुनाया, बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णकारम विप्रदवास कनक कपिशम वैजंतीम चमाला रंध्रान वेणुरधर सुदया पूरयन गोप वृंदैर वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। श्री कृष्ण बालकों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं, उन्होंने मोर मुकुट धारण कर रखा है, कनेर के पीले पुष्प कानों में पीतांबर
लपेटे हुए, गले में सुगंधित पुष्पों की वैजंती माला, नट जैसा स्वरूप, ग्वाल वाल उनके पीछे उनकी कीर्ति का गुणगान करते चल रहे हैं। वृंदावन भगवान के चरण चिन्हों से परम पवित्र हो गया है। ऐसा जब सुखदेव जी, श्री सुखदेव जी के कानों में पड़ा तो श्री सुखदेव जी ने सोचा, ये तो बड़ी अच्छी कन्हैया की छवि का वर्णन है, बड़ा सुंदर है कन्हैया, बड़ा अच्छा कन्हैया है। लेकिन श्री सुखदेव जी के दिमाग में एक बात आई, कन्हैया तो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, बहुत दिव्य है, लेकिन वो मुझे क्यों अपनाएगा, मुझे क्यों अपनाएगा? अरे उसके यहां तो 9 मन माखन होता है, रोज ताजी माखन मिश्री का भोग लगता है, तरह तरह के वस्त्र बदल करके पहनता है, सब कुछ तो उसके यहाँ है, मुझे जैसे फकीर के यहाँ वो क्यों आएगा, मुझे क्यों अपनाएगा, मुझसे क्या मतलब उसका? जब ऐसा चिंतन करने लगे तो शिष्य ने सोचा कि दूसरे ने सोचा कि असर हुआ है, इसका असर हुआ है। तो तभी तुरंत ही दूसरे शिष्य ने दूसरा श्लोक पढ़ा, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंहाशया पाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्र युचतां ततोन्यम कंबा दयालु शरणम ब्रजेम। अरे इतना आश्चर्य, जो पूतना अपनी स्तन में विष लगा करके मारने के लिए गई थी, जो कन्हैया को मारने के लिए गई थी, कन्हैया ने उस पूतना को भी मां की गति दी, मां की पदवी प्रदान की। अरे जब कन्हैया मारने वाले को मां की पदवी प्रदान करता है तब तो वो जरूर आएगा, इतना दयालु है, तब तो उसकी शरण में अवश्य जाऊंगा। श्री सुखदेव जी ने शिष्यों से कहा, क्या 2 ही श्लोक हैं उसके या और कुछ भी है? तो शिष्यों ने कहा, श्री सुखदेव जी ये तो अभी ट्रेलर है, ये तो अभी केवल अभी तो 18,000 श्लोक पड़े हुए हैं महाराज। श्री सुखदेव जी का मन कन्हैया के चरणों में आकर्षित हो गया और श्री सुखदेव जी पहुंच गए व्यास जी के पास। व्यास जी ने श्री सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत का अध्ययन कराया। Thank you.